नमस्कार, IDB24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। राजधानी रायपुर पुलिस ने बुधवार की देर रात दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तेंदुए के दो शावक बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अभनपुर क्षेत्र के घोट गांव में घेराबंदी कर पकड़ा है। तस्कर तेंदुए के शावकों को पिंजरे में बंद कर झोले में भर कर दोपहिया वाहन से ला रहे थे। फिलहाल पुलिस ने बरामद तेंदुओं के शावक को वन विभाग को सौंप दिए हैं और उन्हें नया रायपुर के जंगल सफारी में रखा गया है। मामले में SSP आरिफ शेख ने बुधवार की देर रात उन्होंने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग गरियाबंद मैनपुर की ओर से तेंदुए के दो नवजात बच्चों को बेचने के लिए रायपुर लेकर आ रहे हैं। इस मामले में गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और सभी थाना क्षेत्रों को इसकी सूचना दी गई। यह मामला वाइल्ड लाइफ जानवरों की तस्करों से संबंधित था। खमदरी थाना प्रभारी रमाकांत साहू की टीम ने अभनपुर के घोट गाँव में एक्टिवा सवार दो लोगों को संदिग्ध पाया। उन्हें रुकवा कर तलाशी ली गई। उनके पास एक्टिवा के आगे दो झोले में रखे पिंजरे में बंद तेंदुए के दो नवजात शावक मिले। पुलिस ने मौके पर ही चूना भट्टी निवासी तस्कर मोहम्मद सबीर अली और राकेश निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। कल एक सेंट्रल एजेंसी है गुप्तचर की, उनको सूचना मिली थी कि यहाँ पे जंगली जानवर की तस्करी हो रही है और इसके सूचना पे रायपुर पुलिस एसएसपी के निर्देश पर तत्काल यहाँ की विशेष टीम सभी जो आउटर के पॉइंट है वहाँ पे नाकाबंदी की हुई थी और दो तीन पॉइंट में आउटर एरियाज में भेजा हुआ था। उसमें कुछ उनका क्लू मिला था। क्लू के आधार पे अभनपुर के पास अभनपुर मानिक चौरी गाँव के पास में एक स्कूटी को रुकवा के चेक किया गया। तो उसमें जो पिंजरा नुमा दो जो थैली में रखा हुआ था, जब उसमें चेक किया तो उसमें दो तेंदुआ के शावक थे जिनको विधिवत लेके यहाँ पे लाए गए और फॉरेस्ट को भी इन्फॉर्म किया गया। यहाँ पे जो जंगल सफारी है वहाँ के एक्सपर्ट और डॉक्टर सभी उपस्थित आए थे, जिसकी पहचान तेंदुआ के रूप में हुई, जिसमें कि एक नर है और एक मादा है। इनके द्वारा ये बताया गया कि लोग गरियाबंद के जंगल से किसी वहाँ के गाँव वाले से इसको लेके आ रहे हैं। करके पूछताछ में यही बात पता चले कि इन लोगों का यहाँ पे पेट एनिमल के नाम से एक यहाँ पे शोरूम है, वहाँ पे डॉग्स वगैरह और मतलब बर्ड्स वगैरह का लोग व्यापार करते हैं। और साथ में ये भी मिला है तो ऐसा लग रहा है कि इनका कहीं ना कहीं बाहर के गेम से इनका संपर्क होगा, क्योंकि बाहर से इनके द्वारा ये बताया गया है कि बाहर से हम लोग बिल्ली कछुआ वगैरह बुलाते हैं। तो ऐसा लगता है कि लोग इसको किसी दूसरे देश की ओर इनको ट्रांसफ़र करने की ऐसी मंशा रही होगी, लेकिन पुलिस की सतर्कता से एक बहुत बड़ा गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें थाना सिविल लाइन में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रही हमारे साथ IDB24 न्यूज़ पर। और हाँ, हम YouTube में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।